आफ्टर फोर सीजन्स एंड पांचवे के पार्ट के बाद का पार्ट नेटफ्लिक्स मोस्ट एंटिसिपेटेड शो फाइनली इट्स ओवर और इट्स ओवररेटेड बिकॉज इट्स लाइक ओके खत्म हो गया, चलो अब स्टार प्लस देखते हैं, इतना ड्रामा तो वहां भी मिलता है बिकॉज यहाँ क्रिमिनल्स को सत्याग्रह ही दिखाया है। पुलिस चीफ चोरों के चीफ के साथ भाग गई, पब्लिक इज ऑल्सो इन स्पोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर क्या आई, न्यूज चैनल्स ने चाइना का भांडा फोड़ दिया, वैक्सीन ने असर करना छोड़ दिया, प्रियंका ने निक को छोड़ दिया, मंचलों ने काम धाम छोड़ दिया, आधी आबादी का दिल टूट गया और बची हुई आधी ने रिप्लाई करना छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना की सगाई हो गई, फोर्ड की लंका लग गई, टेलीकॉम कंपनीज ने दाम बढ़ा दिए, एलोन मस्क की तो चांदी ही चांदी हो गई। और जिन लोगों ने कब्ज खारिश और कैंसर के साथ जीना सीख लिया हो, कोरोना चीज ही क्या है, अनदर टाइप ऑफ खांसी। अबे इससे पहले भी तो खिचखिच वाली खांसी, बलगम वाली खांसी और सबसे कुत्ती कुत्ता खांसी। और इस बकवास से आत्मविश्वास के साथ सैनिटाइजर को शैंपू बनाने का सोचा, मास्क का बन गया पोचा, सोशल डिस्टेंसिंग को त्याग एक दूसरे को दबोचा और वैक्सीन को पी के पेट में हो गया लोचा। लोग तैयार बैठे हैं कि सरकार बस लॉकडाउन लगाए, इनको छुट्टी मिल जाए, जाली सर्टिफिकेट दिखाए और ये शिमला घुमाए। तो बुरी नजर वाले तेरा मुकाला, मैं आपका 1640 सब्सक्राइबर वाला जोनी एंथम फ्रॉम गंगा किनारे वाला महीने में दूसरी बार लौट आया लेकर एक चोरों की ऐसी अनोखी टीम जिसमें किसी को चोरी का ना एक्सपीरियंस है ना एक्साइटमेंट। इनकी ना लड़ाई बैंक स्टाफ से है, ना होस्टेजेस से, ना पुलिस से, ना सरकार से, बस आपस में ही लफड़ा, आपस में ही झगड़ा। ना इन्हें पैसों की पड़ी है, ना अपनी जान की, ना जेल का डर, ना अपने आत्म सम्मान की। और स्पेन की सरकार कितनी डाउन टू अर्थ है, हमारे देश में तो नेगोशिएशन में बस 10 मिनट ही देते हैं एसपी साहब कि या तो आत्मसमर्पण या होंगे हरिद्वार के दर्शन। और यूपी में तो इसके बाद भी गाड़ी पलट सकती है। मीट द प्रोफेसर हु ऑलवेज हैज अ प्लान बी और प्लान सी प्लान डी। इसके पास निरोध से लेकर कोंडम तक हर चीज के लिए अलग प्लान है, पर इसको लगाना सारा दिमाग चोरी में ही है बिकॉज इसका बाप चोर था जो मर गया, पर इसने उसकी गलती से कुछ नहीं सीखा और खुद बड़ा चोर बन गया और उसके बाद कुछ लोग मारे गए। अरे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। मीट लिस्बन जिसकी कभी एक सरकारी नौकरी थी, गजनी जैसी माँ थी, बेवफा पति था, ठरकी दोस्त था, पर क्योंकि इसको लगा कि ऐसे लोग तो गुमनामी में ही मरते हैं प्रोफेसर के साथ, मीट टोकियो जिसका पहला प्रेमी मारा गया, दूसरा पकड़ा गया, तीसरा पटाने गई वहां भी कॉम्प्लिकेटेड और चौथे ने तो बहन बोल दिया, मतलब इसका भाग्य ही गया रूट। क्या ये ही है मनुष्य जिससे भी 2 मिनट प्यार से बोली, 3 मिनट बाद उसकी ग्राउंड पे पड़ती गोली, अपनी कबर खुद खोदी, ये वो लाइन है जो इस कटोरा कटिंग के लिए ही बनी है क्योंकि इस अकेली ने प्रोफेसर के पूरे प्लान की बुआ छोड़ दी। मीट बर्लिन जो मर कर भी नहीं मरा आज तक, जिसने पहले सीजन में एक लड़की के साथ रेप किया, दूसरे सीजन में गद्दारी, तीसरे सीजन में अचानक बड़ा भाई बन गया, चौथे सीजन में बायोसेक्सुअल, पांचवे में एक आदमी की जवानी ही छीन ली और फाइनल तक आते आते एक संत बन गया। इतना सब किया बट फिर भी रहा बस सेकंड लीड ही, जिसको मिलना मिलाना कुछ नहीं, लाइक अडवाणी जी। आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ 2 सीजन्स नेटफ्लिक्स रेडी टू मेक अनदर 3 सीजन्स विद डिस्गस्टिंग स्टोरी, अनरियलिस्टिक एक्शन, डिक्रीज क्वालिटी, मोर सेक्सुअलिटी, इन टू मच गोल्ड नो मनी दिस टाइम गोल्ड एंड दे डिड इट। बट जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क, किसी देश को लूट कर उसमें क्रांति कैसे आएगी, सारा पैसा गरीबों में बांट कर, देश के सारे राज ऑनलाइन लीक करके, बेटा कुछ दिन गुजारो सीरिया में, देशभक्ति दौड़ने लगेगी। और इन दाइंड क्या हुआ, सरकार ने इन्हें सोने और आजादी के साथ छोड़ दिया और साथ में नकली पासपोर्ट भी बना कर दिए, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा। मैं एक बियर भी घटक लूं तो नशा कम और टेंशन ज्यादा हो जाती है, थोड़ा लेट जाऊं तो दिल की धड़कन घड़ी की सुई से ज्यादा आवाज से चलने लगती है, और अगर एक थप्पड़ चाटू का झगड़ा हो जाए ओ बहन चूत आज घर कैसे जाऊंगा। स्टेयरिंग किया कराया, टेढ़ापन, मुठकरनी, संतान दोष, स्वपन दोष, वंशीकरण, अचूक वंशीकरण, ग्रह क्लेश, काला जादू, ढीलापन, प्रेम विवाह बंधन, बाबा बंगाली। इस दिस सीरीज एवर रीमेक इन बॉलीवुड तो इसकी स्टार कास्ट ऐसी होगी। हाई रेस 3 के साइज की भसड़ नहीं है, पर प्रॉब्लम इसके हाइप की है, मतलब अगर किसी ने नहीं देखा या देखना नहीं चाहता तो क्लियर है ना, इतना ओवर हाइप किसके लिए।
वैसे भी ना जाने क्या क्या ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल YouTube के ब्राउजिंग में, ना जाने कैसे कैसे वीडियो सजेस्ट हो रहे हैं। मुझे तो लगता है YouTube एल्गोरिथम ही गंजेड़ी है, तभी मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा। बस देखो यार, इसे बेस्ट वेब सीरीज बोल बोल कर अच्छे खासे मास्टरपीस वेब सीरीज की तो मत बजाओ। इसमें और उनमें उतना ही डिफरेंस है जितना कि नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी में है। ले चाटा दे चप्पल। So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel. और वो घंटा बजा देना वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।